चलें जल्दी जल्दी आज आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का सैंडविच तैयार करते हैं। एक्चुअली जल्दी नहीं, बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि चंद मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह इस रेसिपी को कंप्लीट करेंगे और ये सैंडविच इतना मज़ेदार होगा ना कि आप सब बार बार इसको बना के खाना पसंद करेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह यहाँ पर जल्दी जल्दी इंशाल्लाह रेसिपी को स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल को लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम हाफिज़ राशिद है और आप देख रहे हैं अबराज़ किचन। छोटा सा इंट्रो है, देख लीजिए, मिलते हैं आपसे आफ्टर इंट्रो। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, तीन अंडे हमने ले लिए हैं, डबल सैंडविच बनेगा हमारा और डबल के हम काट के दो पीसेस मजीद कर लेंगे, मतलब कि हमारे चार सैंडविच इसमें तैयार हो जाएंगे। तीनों अंडों को हमने बॉईल करके उसका छिलका रिमूव कर लिया है। अब इन अंडों को आपने इसका वाइट वाला एरिया जो है वो अलग कर लेना है और इसकी जर्दी वाला एरिया वो अलग करके रख लेना है। दोनों चीज़ों को सेपरेट करने के बाद आपने एक बाउल ले लेना है या एक प्लेट ले लेनी है जिसके अंदर आपने अंडे को ग्रेट कर लेना है। अब हमारे पास छलनी है तो जो जर्दी होगी उसको आपने छलनी, जो बारीक वाली जिससे नॉर्मली हमारे घरों में आटा छाना जाता है वो वाली छलनी लेंगे और जर्दी वाला एरिया जो है इस छलनी की मदद से हम बारीक बारीक पीस लेंगे। अच्छा, वाइट वाला जो इसका हिस्सा आपके पास अलग से बचा है उसको हमें कद्दूकश करना है। थोड़ी सी हमें इसे मोटी लेयर चाहिए तो कद्दूकश करेंगे हम वाइट वाले एरिए को। अच्छा, यहाँ पर हमें वाइटो के साथ जर्दी को भी मिक्स कर देना है। एग का एक मिक्सर तैयार करेंगे जो हम ब्रेड के अंदर लगाएंगे सैंडविच तैयार करने के लिए। तो जर्दी इसके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं, हसबे जायका इसके अंदर आप नमक शामिल कर सकते हैं और बिल्कुल लाइट से इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। ऑप्शनल है तीसरी चीज़, चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर रहे हैं बिल्कुल लाइट से, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारे पास है जी सैंडविच ब्रेड, चार पीस हमने उसके उठा लिए। अब आपने करना क्या है कि सिंगल पीस के ऊपर मायो अप्लाई करनी है। एक लेयर आप मायो की अप्लाई करेंगे और उसके बाद एग वाला मिक्सर आपने उठाना है और एक लेयर आपने इस एग वाले मिक्सर की इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ, प्यार के साथ, एहतियात के साथ आपने इसके ऊपर काम करना है। आपका सैंडविच बहुत मजे का निकल कर आएगा इंशाल्लाह। आपने अप्लाई करना है इसको अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने दूसरा स्लाइस उठाना है। दूसरे स्लाइस के ऊपर मेयोनीज अप्लाई करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और फिर इसी तरीके से आपने दूसरा सैंडविच भी रेडी कर लेना है। जैसे ही आपके दोनों सैंडविचेस रेडी हो जाएं तो फिर बारी आएगी इनकी कटिंग करने की। सबसे पहले आपने इसके किनारों को अलग कर लेना है छुरी की मदद से। ब्रेड के चारों तरफ से आपने किनारे जैसे ही रिमूव करने हैं तो उसके बाद आपने सेंटर से इसको सैंडविच की शेप में काट लेना है। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी और शेप में काटा जाए तो डिपेंड ऑन यू, आप उसको अपने तरीके से जैसे भी चाहें काट सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा, खूबसूरत सा और इतना सॉफ्ट और लाइट सा सैंडविच हमने तैयार करके आपको दिखा दिया है। यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार था ये सैंडविच। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आपने एक बार इसको बना लिया तो उसके बाद आप इसको बार बार बनाकर खाएंगे। सैंडविच मेकिंग के बाद इंशाल्लाह आपको अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत सी सर्विंग दिखाते हैं और सर्विंग देखते हुए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा सा खूबसूरत सा अपने जैसा एक नीचे कमेंट कर दीजिए और उसके बाद इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हाफिज राशिद को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।